का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। जी हाँ, हमारे भारत की संस्कार, रीति रिवाज अनमोल धरोहर ज्ञान की भंडार है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश भारत में बहुत सी पार्टियों और दलों का देश है, जो अनेक राज्यों में अलग अलग दल और नेता पाए जाते हैं। उनमें अनेक नेताओं का सोच भी बहुत ही भिन्न होती है, जो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहने में गुरेज नहीं करते हैं। भारत लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा मजबूत तंत्र है, जो अपनी बात किसी भी मुद्दे को उठा सकता है। जो पार्टी में जीत गया है वह है पक्ष, जो चुनाव में हार गया है वह है विपक्ष। भारत में अनेक पार्टियां हैं, जो इस वक्त बीजेपी सरकार केंद्रों में भी है और अधिकतर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी अपना सही कार्य कर रही है, मान सम्मान के साथ कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष के लोग अनेक मुद्दे उठाते रहते हैं, इस काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करने में कोई भी कोताही नहीं करते हैं। यदि कहीं सही भी कार्य हो रही है तो वहाँ भी गलत करते हैं, गलत ठहराने में गुरेज नहीं करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं सांसदीय चुनाव 2024 आने वाला है और पक्ष विपक्ष की लड़ाइयाँ तेज हो चुकी हैं। विपक्ष के लोग पहले से ही अब मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं कि इस बार भारत सरकार केंद्र सरकार को हराना है किसी भी तरह से 2024 में, या देखने के लिए अब मीटिंग जारी हो चुका है। या जिस तरह से अब विभिन्न पार्टियां 2024 का 2023 में ही गणित लगाना शुरू कर दिए हैं, इस बार 2024 में बीजेपी को हराना चाहे जैसे और वैसे यह विपक्ष का सोच चल रहा है। जिस तरह से पीएम की कुर्सी पर उन्हें बिठाना है, तुम्हें उठाना है, इस तरह की साठगांठ चल रही है, जो कि कितना या कारगर होती है या 2024 में चुनावी सांसदीय चुनाव होने पर ही यह बताया जा सकता है कितनी किसमें कितना है दम या कितना कौन बनेगा पीएम की कुर्सी का सिंहासन पर, यह जानना जरूरी है। कितनी किसी भी विरोध क्यों ना करें, उतना ही उसकी पल्ला भारी होती है, मजबूत होती है, क्योंकि बीजेपी सरकार केंद्र में अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। और भारत के अनेक राज्यों में जहां पर भी बीजेपी सरकार है वहां पर भी अच्छा कार्य कर रही है, कानूनी और संविधान के अनुसार ही कार्य हो रहा है, जनता के मन मुताबिक ही कार्य कर रही है। किसान से लेकर महिलाओं को और अनेक योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। केंद्रों में बीजेपी सरकार 9 वर्ष पूर्ण किया है, केंद्र सरकार कहीं भी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार या अपराधी नहीं देख सकती है। इसे निपटाने के लिए विभिन्न तरह के जो है योजनाओं से अवगत और शासन प्रशासन को टाइट किया हुआ है, ताकि वह कोई भी अपराधी चंगुल से बचकर ना जा पाए। भारत सरकार और राज्यों की योजना किसान निधि के अंतर्गत 2000 रुपये किसान के खाते में और एक साल में 6000 रुपये किसान के खाते में आसानी से चली पहुंच जाती है। वहीं बिचौलियां का कोई भी दलाली नहीं है चलती, और भारत को देश और विदेशों में काफ़ी गौरव और सम्मान मिल रही है, जो कि भारत के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और गौरव अपने आप को महसूस करते हैं। भारत देश ही गौरव और निर्णायक वाला देश है, जो हम सभी लोग एक सांस्कृतिक रूप रेखा और अनमोल धरोहर ज्ञान और अनमोल वचन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले की तुलना में विश्व भारत की ओर आशा लगाए हुए भारत की तरफ अग्रसर हो रही है। आप देख रहे हैं 2024 गणित में 2023 में। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।